हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर कर रहे हैं लेवल टू अल्ट्रासाउंड, वो भी गंगाराम हॉस्पिटल का। और बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने जा रहा है और बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सबसे महंगा अल्ट्रासाउंड है इंडिया में, 4700 का ये अल्ट्रासाउंड है और इसका जो काफ़ी डिटेल में है ये पूरा हम आपको बता रहे हैं। आप देखते रहिए वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। सो OB 2/3 ट्राइमेस्टर स्कैन रिपोर्ट, मतलब ऑब्स्ट्रिशन बोलते हैं जिसे, वो आपकी 2/3 ट्राइमेस्टर स्कैन रिपोर्ट, इसको एनाटोमिनी स्कैन भी बोलते हैं, लेवल टू भी बोलते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं इसकी, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके एक एक पार्ट का किस तरह से बड़े हॉस्पिटल ने कवर किया वो हम दिखा रहे हैं। आप अपनी रिपोर्ट से भी मैच कर सकते हैं। तो रियल टाइम बी मोड अल्ट्रासोनिक्राफी ऑफ ग्रेविड यूट्रस डन। सो ये बी मोड का मतलब है कि 2D है, ऐसे 3D भी होता है, 4D भी होता है, 5D भी होता है, बट अभी 2D ज़्यादा चल रहा है तो ये 2D है। ऑल दो कॉस्ट ज़्यादा है 4700 2D का, बट काफ़ी डिटेल में किया है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ कॉस्ट ज़्यादा क्यों लिया जाता है, क्योंकि इतने डिटेल में किया है। तो ग्रेविड यूट्रस मतलब गर्भवती का गर्भाशय, उसका बी मोड अल्ट्रासोनिक किया। रूट ट्रांस एबडोमिनल पासिंग थ्रू, ये रूट हो गया कि वहाँ से एबडोमिनल से पास होकर कराई से। सिंगल इंटरनेशनल गेस्टेशन मतलब एक है इनसाइडर यूट्रस, बर्थ एंड प्रेगनेंसी के बीच में वो गेस्टेशन टाइम बोलते हैं। अब राइट यूट्रीन, ये अल्ट्री का होता है 1.06, एंड ये दूसरे इसकी रेंज होती है 0.53 से लेकर 1.58 तक रहती है, तो ये ठीक है, रेंज में है, लेफ्ट और राइट दोनों रेंज में है। फेटस सर्वे पे चलते हैं अब हम, इसको कहते हैं ब्रूश का सर्वेक्षण हिंदी में। तो इसमें चलते हैं, सिंगल लाइफ फेटस ऑफ 20 वीक्स, 4 डेज प्लस और माइनस वीक, इसमें होता है कि एक हफ्ता ज़्यादा या कम हो सकता है, 20 वीक का दिखा रहा है इसे। और प्लेजेंटा पोजिशन भी इन अपर सेगमेंट, पोजिशन एक इंटीरियर होता है, पोजिशन होता है, कॉमन जो होते हैं बाकी भी होते हैं वो मैंने एक वीडियो में समझा रखे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। इन अपर ग्रेड पोजिशन एंड प्लेजेंटा कोड इंसर्शन इन कॉल्ड सेंटर एकोलेट, ये सब दिखाया इन्होंने। एंड यूमिन कॉर्ड सिंगल यूनियन आर्टरी सीन, इसमें सिंगल और यूनिक आर्टरी सीन हुई है, जो डबल होती है ज़्यादातर, तीन होती है हमारी, एक वेन होती है, दो होती हैं आर्टरी, तो इसमें सिंगल हुई है। फेटल एक्टिविटी प्रेजेंट हुई है, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट हुई है, फेटल हार्ट रेट 153 BPM। सो इसमें आप बहुत देखते हैं लोग की प्लेजेंटा की पोजिशन कौन सी, इंटीरियर है या पोस्चर है, तो इसमें पोस्चर आया है तो वो डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको क्लियर कर देंगे। हमारी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें एंटीरियर आ रखा है, वो भी पूरा वीडियो बनेगा, और उससे लड़का लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। फेटल रेट से भी 153, इसका मतलब जो बोलते हैं लड़की या लड़के पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप सिर्फ तुक्का मार सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते आप। उसके बाद एक ये फेटल बायोमेट्री है, इसमें भी BPD, SC और ACFL से आप कहते हैं कि ज़्यादा होगा तो लड़का होगा, कम होगा तो लड़की होगी, बट इसमें ये नहीं है, सबका ह्यूमन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो ये भी एक तुक्का है पूरा का पूरा। ये बस आपने रेंज देखनी है, आपकी रेंज नॉर्मल होनी चाहिए एंड वो ही आपने देखना है मेन। ग्रेड ज़ीरो को भी समझ लेते हैं, ग्रेड ज़ीरो ही आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपका 1, 2, 3 आ गया, क्योंकि मैच्योरिटी ज़ीरो ही रहनी चाहिए, वही सही रहती है, एक्सेस नहीं होना चाहिए। एंड लिक्वर एडिक्यूट होना चाहिए, इसमें 3.9 CM आ रहा है, सो लिक्वर ऐसे ही एडिक्यूट लिखा है तो बिल्कुल सही है, ज़्यादा होना चाहिए। अब दूसरा ये एनोपोलॉजी मार्कर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजल बोन 6.2 mm आई है एंड नेजल फोल्ड 6 mm आया, तो ये 5 mm to 6.9 mm के होने चाहिए, ये दिखनी ज़रूरी है। और इसकी नाभि, अब एस्टिमेट वेट, ये वेट का चार्ट भी हम दे देंगे, वीक बाय वीक चेंज होता है, 360 ग्राम आया है, 36 ग्राम माइनस और प्लस हो सकता है, ये भी वीक बाय वीक चेंज होता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका भी मैं पूरा चार्ट आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है वीक बाय वीक चेंज। अब फेटल एंटोमोनी हेड राइट वर्टिकल मेजर्ड, ये पूरा 7.7 आया है, जो बिल्कुल सही है रेंज में, एंड 10 mm से लेस होना चाहिए, सो ये रेंज में, एंड ये लेफ्ट राइट ये आप देख सकते हैं ये सीन हुआ है। उसके बाद नेक के पार्ट पे आते हैं, फेटल नेक अपीयर नॉर्मल, नॉर्मल दिखा रहा है, गर्दन स्पाइनल रीढ़ की हड्डी इंटायर स्पाइनल विजुलाइज इन लॉन्गिट्यूड एंड थ्रस्ट एक्सिस, वर्टिब्रल एंड स्पाइनल चैन अपीयर नॉर्मल, सब नॉर्मल। फेस फेस फेटल फेस सीन इन द कोरोमोनल प्रोफाइल व्यूज, पूरा उनके प्रोफाइल व्यूज देखे उन्होंने। उसके बाद बोथ ऑर्बिट नोज एंड माउथ अपीयर नॉर्मल, सो वो नॉर्मल दिखा है पूरा का पूरा। थोरेक्स है, गले का पार्ट है, बोथ लंग्स दिखे, नो एविडेंस ऑफ फंक्शन, नो एविडेंस ऑफ सोल और थॉट, कोई नॉर्मल है सब, हार्ट हार्ट इज नॉर्मल पोजिशन,
एंड फिर एबडोमिन में आप देख सकते हैं एबडोमिनल सीटेज इज नॉर्मल एंड ये भी पूरा इज नॉर्मल दिखा है, नॉर्मल बॉल पैटर्न दिख रहा है, नो एविडेंस ऑफ एस्टिक्स। एंड ये अब किडनी का है, के यू बी, राइट एंड लेफ्ट किडनी अपी है, एंड उसकी आपको ये लेंथ दिख रही है, रेनल लेंथ। एंड उसके बाद ऑल फेटल लॉन्ग बोन्स एंड अपियर, बोथ फीट्स अपियर नॉर्मल। अब ये इंप्रेशन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है इन्होंने सिंगल गैस अकॉर्डिंग टू गैस्ट्रो एज, सो 21 वीक सिखा है, गैस्ट्रो एज साइंड एज पर द एलएमपी, सो पीरियड के हिसाब से दिखाया है, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड। प्लेजेंट ऑफ पोस्टरी दिखाया है इन अपर सेगमेंट ग्रेड जीरो, जैसे मैंने बोला ग्रेड जीरो होना चाहिए। एंड प्लेजेंट ऑफ कॉर्ड सेंटर में दिखाई, लिक्विड एडिक्यूट दिखाया है, लार्जेस्ट पूल का आपका थ्रीपन, सिंगल यूनिपिकल आर्टरी है, ये थोड़ा सा है, तीन होनी चाहिए, एक वेन होती है सांस लेता है, दो यूनिपल आर्टरी होती है जिससे बेबी का जो गंध होता है वो सारा निकलता है, तो इसमें दो हैं। एंड बायट्रल पेलविसिस, एक ये थोड़ा सा जो किडनी में थोड़ा सा बॉर्डर है, सो इसका भी हम बता देते हैं, इसमें भी क्या है कि ये भी एक तुक्का है, यहाँ पे पांच में से तीन बॉयज़ होते हैं एंड दो गर्ल्स को होते हैं, सो ये बॉयज़ होने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो ये भी एक आपको सिंपल मिल गया, बट तुक्का है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है बताया जाता है या कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं है, सिर्फ ये फन के लिए आपको तुक्के हैं, तुक्के हमारे काफ़ी टाइम से रहे हैं, कमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, और आप लोग कमेंट करिए, और बाकी आप ध्यान से रिपोर्ट देखिए, बहुत ही अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं आगे भी, एंड होप आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा, गंगाराम हॉस्पिटल का टेस्ट ये जो कि रेयर ही आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।